उपाय धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन, रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गौ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थी, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है, जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्ट लक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें और उस कपड़े को बांध कर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें, कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें, कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें, अमावस्या को तिल दान दें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। पांचवा अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। छठवां उपाय सुनो, छठवां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें पाए। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सातवां उपाय, कमल गट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। बीज मंत्र सुनो, बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमल गट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। आठवां उपाय, दीपावली होली और दशहरे, 3 पर्व पर अपने घर में एक ना एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली होली और दशहरा के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। नौवां उपाय है, प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं, और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं, और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, ऐसा कहते हुए कमल पुष्प अगर भगवती माँ लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। दसवां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का
श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं, ये कभी कटने वाले नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये वेदोक्त उपाय हैं।